मंजिल मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल सही। गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। मैं तो अकेला ही चला था मंजिल की ओर, पर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। राकेश गोविंदचंद जी मेहता। आज के इस शुभ दिन पर शुक्रगुजार हैं भगवान के, परिवार के, दोस्तों के, प्यारे एम्प्लॉयज के, व्यावसायिक मित्रों के। शुक्रगुजार हैं यहां उपस्थित सभी मेहमानों के, जिन्होंने इस रास्ते में उनका हाथ थामा। राकेश जी मानते हैं कि उन्होंने अकेले नहीं, पर सब ने मिलकर इस आसमान की ऊंचाई को हासिल किया है। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। ये उन दिनों की बात है जब राकेश जी के पुश्तों का परिवार खीमेल गांव में ठाकुर हुआ करता था। राजा द्वारा लड़ाई पश्चात छूड़ा सरदार को छिलमुठा का खिताब मिला और साथ साथ चार गांव, जिनमें से एक था खीमेल। पर जब परदादा की मृत्यु हुई तो सारा परिवार बिखर गया। गोविंद चंद जी उनके परिवार के संग आ पहुंचे जोधपुर। कुछ वक्त के बाद भगवान ने दिया गोद में एक अमूल्य उपहार, जिसकी किलकारियों से होता था रोज त्योहार। 9 अगस्त 1964 के शुभ दिन राजस्थान के जोधपुर शहर में जन्म हुआ एक बालक का, और पिताजी गोविंद चंद जी और माताजी चंचल जी को मिला एक नन्हा फरिश्ता और नाम रखा राकेश। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया। चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या
छोटा गांव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पांव है या छोटा गांव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। राकेश जी की प्राइमरी से सेकेंडरी तक की पढ़ाई वही हुई जोधपुर शहर में। दो बहनें शोभा संगीता और भाई राजेश जी के संग बिताया हर मस्ती भरा वक्त आज भी राकेश जी के मन में तरोताजा है। राकेश जी के पिताजी उन दिनों स्कूल में टीचर थे। बचपन गुजरा मध्यम वर्गीय वातावरण में, पर वो हमेशा मानते थे कि अच्छा या बुरा वक्त सिर्फ एक मुश्किल हालात है। बदल जाता है हर बुरा दिन, तेरे कर्मों में वो ताकत है। स्वाद है मुद्दतों के बाद है, सहमा दिल धक करे दिन है या ये रात है। हाय तू मेहरबान क्यों हो गया बा खुदा क्या बात है। बादल पे पांव है या झूठा गांव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पांव है या झूठा गांव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। लगता था फिर भी चलते थे कुछ अनजानी राहों पर, हंसने के साथ रो भी लेते थे पुरानी यादों पर ठेस कभी लगने नहीं दी अपने इरादों पर। स्कूल की पढ़ाई कर पिताजी ने सन 1981 में उनको आगे की पढ़ाई के लिए भेजा फालना की पारसनाथ कॉलेज में, जो इनके जीवन का सबसे बुरा वक्त रहा। उस एक साल दौरान आरक्षण आंदोलन हुआ और ढेर सारी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा। पर वो कहते हैं ना, जिंदगी एक साइकिल की तरह होती है। बुरे दिन के पहिए आगे बढ़े तो साथ साथ अच्छे दिन के भी पहिए अपने आप साथ आ ही जाते हैं। ये वक्त जिंदगी का सबसे कठिन और संघर्षपूर्ण रहा तो साथ साथ सबसे अच्छा भी, क्योंकि यही कॉलेज में उनकी मुलाकात हुई कॉलेज के प्रेसिडेंट और अच्छे दोस्त मोतीलाल जी ओसवाल से, जिनके साथ दोस्ती आज के दिन तक कायम है। जिंदगी की पढ़ाई भी अजीब होती है, किताबों से नहीं ठोकरों से अपने आप याद रह जाती है। एक साल फालना पढ़ाई कर वो वापस अपने शहर जोधपुर आ गए और बीकॉम तक की पढ़ाई जोधपुर से ही की। सपने वो नहीं जो हमें नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। जोधपुर आने के बाद उन्होंने वैसा ही एक सपना देखा, सीए करने का। पर उनकी 3 साल के मार्क्स की एवरेज महज 36% थी और उन दिनों सीए करने के लिए एवरेज मिनिमम 49.5% चाहिए थी। सीए अपीयर करने हेतु उनके लास्ट एग्जाम में 69% चाहिए थे। एक प्रोफेसर की उन्होंने मदद ली और राकेश जी ने लाइफ की 2020 को सक्सेसफुल बनाने के लिए लास्ट ओवर में 6 छक्के मारकर एग्जैक्ट 69% लाए और सीए अपीयर होने के पहले पड़ाव को पार किया। जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा, हौसले बुलंद रखिए जरूर चमत्कार होगा। बीकॉम कंप्लीट कर अपने सपनों को पूरा करने वो अकेले चल पड़े सपनों की नगरी मुंबई। कुछ दिन जान पहचान वालों के घर में रहे और फिर रहने का बंदोबस्त हुआ कीका स्ट्रीट की पेढ़ी में, जहां खटमल और टूटे दरवाजे और खिड़कियों में से गिरता पानी
और टूटी हुई दीवारों ने उनके मकसद को कमजोर करने की कोशिश की, पर वो हारे नहीं। एक तरफ आर्टिकल शिप शुरू हो गई और दूसरी तरफ वो मिले माणिक जी जैन से। राजपुरिया राजस्थान विद्यार्थी गृह अंधेरी में दाखिले हेतु माणिक जी ने उन्हें रोज शाम को मिलने को कहा और वो हर रोज शाम कहीं पर भी हो 6:30 बजे उनकी दुकान पर पहुंच जाते। 30-40 दिन यही दौर चला और आखिरकार माणिक जी ने सेक्रेटरी से बात कर उनका दाखिला विद्यार्थी गृह में करवा दिया। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कड़ी मेहनत और ऊंचे इरादे रखने वाले राकेश जी की जिंदगी का असली मोड़ अब शुरू हुआ। पढ़ाई में एवरेज रहने वाले और मस्ती धमाल में ज्यादा ध्यान रखने वाले राकेश जी का सीए सफर भी आसान नहीं था। इंटर का पहला अटेम्प्ट नवंबर 84 में दिया जिसमें नाकाम रहे। फिर मई 85 में एक ग्रुप क्लियर किया और एक्सेप्शन को पार कर मई 86 दूसरा ग्रुप। फाइनल में भी मई 87 में पहला ग्रुप पास किया और एक्सेप्शन को पार कर मई 88 में वो सीए बने। पढ़ाई के साथ इन दिनों वो पटेल शाह एंड दोषी कंपनी में आर्टिकलशिप करते थे। सीए कंप्लीट करने के बाद वो एएफ खासगी वाला कंपनी में जुड़े और 28 सितंबर 1988 के दिन श्राद्ध पक्ष में खुद की प्रैक्टिस शुरू की आरएम एंड कंपनी के नाम से, और साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करते थे लोडा एंड कंपनी में। इत्तेफाक अपनी जगह, खुदकिस्मती अपनी जगह, इंसान खुद बनाता है इस जहां में अपनी जगह। और शुभ शुरुआत हुई उनके पारिवारिक रिश्तों की। 1989 जनवरी फरवरी में उनका रिश्ता पक्का हुआ निधि जी से, और मई 89 में निधि जी से शादी हुई जोधपुर में। उनकी अर्धांगिनी निधि जी का निजी और सामाजिक जीवन की सफलता में बेहद बड़ा हाथ है। एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, ये शब्द यहाँ सच होते हैं।
मुंबई में पारिवारिक जिंदगी की शुरुआत हुई दहिसर में भाड़े के घर से, और 1990 में जन्म हुआ रजत का, और 1992 में चेष्टा का, और फैमिली एल्बम कंप्लीट हो गया, और साथ साथ 1992 में वो गोरेगांव रहने हेतु शिफ्ट भी हो गए। पारिवारिक रिश्तों को हमेशा ऊंची अहमियत देने वाले राकेश जी की जिंदगी का ये पल सबसे खुशनुमा रहा है। चलना पूछना पूछ के चलना, मरना जीना मर के जीना, मांगने वाली चीज नहीं है मौका उसका जिसने जीना, गिरना उठना उठ के चलना, चढ़ जा अंबर जीना जीना, याद रहे ये शर्त सफर की। रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते पर अमीर जरूर बना देते हैं। राकेश जी का ऐसा ही एक रिश्ता बना उनके दोस्त जुगल महेश्वरी जी के संग, जिनकी सलाह से दोनों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। महज 21,000 रुपयों से दो स्टॉक्स खरीदे, ब्लो प्लास्ट और महाराष्ट्र फर फैब्रिक्स, और उसमें से दोनों ने 63,000 का मुनाफा किया। ये वक्त जिंदगी का सबसे अहम मोड़ था जब उन्होंने 2M कॉरपोरेशन की स्थापना की। सपने एक दिन में पूरे नहीं होते, पर अगर ठान लो तो एक दिन जरूर पूरे होते हैं। ऊंची सोच और सपने रखने वाले राकेश जी ने उसके बाद कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। कामयाबी उन्हीं को हासिल होती है जिनके जिगर में कुछ पाने की आग होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कुछ ही वक्त में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़कर स्टॉक ब्रोकिंग करना शुरू किया, और 1994 में स्टॉक ब्रोकिंग मेंबरशिप का कार्ड भी मिल गया। इन सब में मोतीलाल ओसवाल जी का सहयोग हर पल मिलता रहा। कुछ रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स भी आए रास्ते में, पर उनको भी पार कर 2002 में मेहता इक्विटीज की शुभ शुरुआत हुई, जो आज ऊंची सफलता के आयाम तय कर रहा है। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां, कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां, तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनून है किसी में का, बहता चला तू उड़ता चला तू जैसे उड़े बेधड़क आंधियां, बहता चला तू उड़ता चला तू जैसे उड़े आंधियां, मंजर है ये नया मंजर नया, मंजर है ये नया के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां, मंजर है ये नया नया। कहते हैं कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त तब सजता है जब परिवार मित्र जैसा बन जाए और मित्र परिवार जैसे। रजत ने भी अपनी पढ़ाई खत्म कर 2012 में बिजनेस में जुड़ गया। वक्त के आगे बढ़ते ही रजत की शादी हुई त्रिशा से 2016 में, और चेष्टा की शादी हुई प्रवल से 2019 में, और परिवार को मिले बेटी और बेटे जैसे बहू और दामाद, और साथ खिले नन्हे फूल व्यारा और सहर के रूप में,
जिनकी महक से आज पूरा मेहता परिवार खुशनुमा रहता है। लोहे से बसते बसतों में तू भर चला आसमां, आएंगी सदियां जाएंगी सदियां, रह जाएंगे फिर भी तेरे निगाह। बहता चला तू उड़ता चला तू जैसे उड़े बेधड़क आंधियां, बहता चला तू उड़ता चला तू जैसे उड़े आंधियां। मंजर है ये नया मंजर नया, मंजर है ये नया के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। पारिवारिक जिम्मेदारियों के संग संग राकेश जी सामाजिक कार्यों में भी हमेशा आगे रहे हैं। जोधपुर एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो साथ साथ मुंबई वैश्य सेवा संघ के फाउंडर मेंबर रह चुके हैं, जीतो और भारत जैन महामंडल के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, एपिलेप्सी फाउंडेशन नामक एनजीओ के वो फाउंडर ट्रस्टी हैं, ब्लाइंड स्कूल जोधपुर में भी वो हमेशा अपना सहयोग देते रहते हैं। एक बात जो सबसे बेहद काबिले तारीफ है वो है, खुद पर बीते कठिन वक्त को ध्यान में रख ऐसा वक्त आगे की पीढ़ी को ना देखना पड़े, इसलिए खुद का मुंबई में पहला घर खरीदने से पहले उन्होंने जोधपुर हॉस्टल के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। श्रेष्ठ दान का ये उत्तम उदाहरण है। सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं। पर राकेश जी ने जिंदगी में जो सपना देखा वो अपने हाथों से हासिल किया। गणित के शिक्षक तो हमें एक और एक दो गिनाते हैं, मगर राकेश जी तो एक और एक ग्यारह का फॉर्मूला सिखाते हैं। किस कदर से शुक्रिया अदा करूं उस खुदा का, अल्फाज नहीं मिलते। जिंदगी इतनी खूबसूरत ना होती जो आप लोगों का साथ और जज्बात नहीं मिलते। राकेश जी अपनी सारी सक्सेस का श्रेय अपने कर्मों को, भगवान को, माता पिता एवं परिवार को देते हैं, जिनके आशीर्वाद और सहयोग से सफर में वो आगे बढ़ते गए और मंजिल मिलती गई। आज राकेश जी अपनी जिंदगी के 60 साल पूरे करके 61 वर्ष में आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम सब मिलकर इस ऊंची पर फिर भी जड़ से जुड़ी हुई शख्सियत को तहे दिल से सलाम करें।
राकेश जी मेहता।